نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ये सूरह बकरा है जो कुरान मजीद की सबसे बड़ी और लंबी सूरत है। और इसके फजाइल भी आए हैं। हदीस शरीफ में आया है कि कुरान शरीफ क़यामत के दिन अपने मानने वालों और अपने पढ़ने वालों और अपने अमल करने वालों के लिए सिफारशी बन कर आएगा। तक़दुमुहु सूरतुल बकरति व आल इमरान, और सबसे आगे आगे सूरह बकरा और सूरह आल इमरान होंगी। और ये भी आया है कि तातियान कअन्नहुमा गमामतान औ गयायतान औ फिरकान मिन तैरिन सवाफा। ये सूरतें ये सायबा बनकर आएंगी जो उसके ऊपर साया फिगन हो जाएंगी, या परिंदों का जैसे झुंड हो ऐसे ये इंसान के ऊपर साया डाल देंगी और उसको अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में जगह अता फरमाएंगी। और ये भी इसकी फजीलत आई है कि इन्नल बैत अल्लज़ी तुक़्रा फीही सूरतुल बकरा ला तक़रबुहु शयातीन, कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है पढ़ी जाती है ये सूरत, उस घर में शयातीन करीब नहीं आते। ढाई पारे की है तकरीबन ये सूरत। ये इसकी इब्तदाई चंद आयतें हमने आपके सामने तिलावत की हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब ऐसी है कि इसके अंदर जर्रा बराबर भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। सबसे पहले कुरान मजीद के बारे में अल्लाह ताला ने जो बात इरशाद फरमाई वो ये है कि इसमें जर्रा बराबर भी शक की गुंजाइश नहीं। इसको अल्लाह तबारक व ताला ने हिफाजत के साथ नाजिल फरमाया, इसमें कोई कमी ज्यादती की या किसी शैतानी अमल दखल की कोई गुंजाइश और मजाल नहीं। لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ, باطل اور شیطانی عمل اس کے آگے سے بھی نہیں آ سکتا, اس کے پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا, یہ حکمت والے
और काबिल तारीफ अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नाजिल किया गया है। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये तकवे वाले लोगों के लिए हिदायत का सामान है। हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान मजीद को एक जगह कहा गया है हुदल लिन्नास, के लोगों के लिए हिदायत, और यहां इरशाद फरमाया गया है कि मुत्तकीन के लिए हिदायत। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से है तो ये सबके लिए, लेकिन फायदा उठाने वाले वो लोग होंगे जो अपने दिल में डर और खौफ और अल्लाह तबारक व ताला का लिहाज रखते हैं, अल्लाह तबारक व ताला की नाराजगी और रजामंदी की जिनको फिक्र है कि अल्लाह को हमें राजी करना है, हमारे खालिक व मालिक को राजी करना है और उसकी नाराजगी से बचना है, उन्हीं को मुत्तकीन कहते हैं। तो वही इनसे फायदा उठा सकते हैं, कुरान मजीद से वही लोग इस्तिफादा कर सकते हैं। इसकी मिसाल ये है कि बारिश नाजिल होती है तो बारिश तो उस खित्ते में आम होती है, लेकिन बाज खेत ऐसे होते हैं कि वो फसल अच्छी उगाते हैं और बाज खित्ते ऐसे होते हैं कि वही बारिश वहाँ भी आई लेकिन वो खित्ता ही बंजर है तो वहाँ फसल नहीं होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, मसलु मा बअसनी अल्लाहु बिही मिनल हुदा वल इल्म كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجابب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله فنفعه الله ما بعثني بما بعثني الله به ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به। कि जो इल्म और हिदायत अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाया है, यानी कुरान और हिकमत की बातें, दीन, उसकी मिसाल ऐसी है कि मूसलाधार बारिश आई ऐन ज़रूरत के वक्त, जबकि खुश्क हाली थी और तलब थी पानी की शदीद, ऐसे मौके पर मूसलाधार बारिश अल्लाह ताला ने बरसाई तो जिस जगह वो पानी बरसा उसमें तीन तरह के खेत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए तीन तरह के इलाके होते हैं कि एक तो अच्छा खेत होता है, तय्यबा ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है, तो कबीलतिल मा, उस ज़रख़ेज़ ज़मीन ने पानी को कबूल कर लिया। ज़मीन की तीन किस्में बताई हैं, एक तो पाकिज़ा और ज़रख़ेज़ ज़मीन जिसने पानी कबूल किया और उसने अच्छी खेती उगाई, फूल उगे या दाना उगा और लहलाने लगी खेती और फिर उससे लोगों के काम चले, और एक खित्ता ऐसा था उस सरजमीन में कि उसमें जज्ब करने की सलाहियत नहीं थी लेकिन पानी को रोक लेने की सलाहियत थी, तालाब बन जाते हैं, तो वो पानी जमा हो गया तो उसके नतीजे में भी लोगों ने फायदा उठाया और पानी अपने जानवरों को पिलाया, सिंचाई की तालाब वगैरह से। और एक सरजमीन की एक किस्म ये बताई अल्लाह के रसूल ने कि वो सपाट मैदान है, पानी को जज्ब भी नहीं करती है वो ज़मीन और वो रोक कर भी नहीं रखती है, तो वहाँ पानी आया और अभी आप देखेंगे कि यहाँ कोई नामो निशान नहीं रहा पानी का। तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यही मिसाल है जो अल्लाह ताला ने मुझे इल्म और हिदायत दी है, बाज़ दिल इससे फ़ायदा उठाते हैं और बाज़ दिल ऐसे रहते हैं जो महरूम रह जाते हैं, जो समझने की कोशिश करता है और अपने दिल को खोलता है तो वो इससे फ़ायदा उठाता है, और जो अपना सर नहीं उठाता है और इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देता है वो कुरान मजीद से भी फ़ायदा नहीं उठाता है, दीन से भी फ़ायदा नहीं उठाता है। फिर जो आपने दो ज़मीन दी वो दोनों काबिल-ए-तारीफ़ है, फ़ायदा उठाने में कम ज़्यादा होते रहते हैं,
जैसे बताया गया फुकहाए किराम, फुकहाए किराम ने क्या कुरान मजीद से हदीस शरीफ से नए नए मसाइल निकाले, तो ये जमीन को जमीन ने कबूल करके और फायदे वाली चीज पैदा की। मुहद्दिसीन ने क्या किया, हदीसें अल्लाह के रसूल की कुरान मजीद पहुंचाने वाले सहाबा थे, उन्होंने वो जमा करके अपने दिलों में वो पहुंचा दिया वैसा का वैसा ही। तो दोनों जमीनें ये काबिले तारीफ रही और इन्होंने फायदा पहुंचाया और फायदा उठाया, और एक जमीन ने किसी भी तरीके से फायदा नहीं उठाया। तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के मूसलाधार बारिश तो होती है लेकिन कुछ जमीनें वो फायदा उठाती हैं, कुछ फायदा नहीं उठाती हैं। अल्लाह अगर तौफीक ना दे, इंसान के बस का काम नहीं। फैजान मोहब्बत आम सही, इरफान मोहब्बत आम नहीं। फैजान तो अल्लाह का आम है लेकिन उसको पहचानने वाले आम नहीं है। तो कुरान मजीद ही है, इसको पढ़कर कुछ लोग वो गुमराह भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बस शको शुबहे की नजर से देखते हैं, तो कुरान मजीद के जरिए से गुमराह भी हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यरफाउ बिही अक्वामन व यदाउ बिही आखरीन, कि इस कुरान के जरिए से अल्लाह कुछ लोगों को इज्जत देगा और कुछ लोगों को पस्त कर देगा। जो इसको पढ़ेंगे नहीं या इसको पढ़कर इससे फायदा नहीं उठाएंगे वो पस्त हो जाएंगे, और जो इसकी कद्र करेंगे वो बुलंद हो जाएंगे। सहाबाए किराम में से बाज लोग कितने बुलंद हो गए, और उन्हीं लोगों में अबू जहल वगैरह भी थे। कुरान मजीद उनको भी सुनाया जाता था और सुनते थे और असर भी लेते थे, कहते थे ये तो जादू है, जादू जैसा असर होता था। लेकिन बस वो सुनी की अनसुनी कर दिया, उसकी गलत तावील कर ली उन्होंने। और कुरान मजीद में खुद आया युगिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, कि कुछ लोगों को हिदायत मिल जाती है कुरान से और कुछ लोग इसको सुनने के बाद भी गुमराह हो जाते हैं। हुदल्लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग जो कि गैब पर ईमान रखते हैं। सबसे पहली सिफत क्या बताई तक्वे वालों की, जो गैब पर ईमान रखते हैं। गैब किसको कहते हैं, जो हमारी नजरों से ओझल है, जो हमारे हवास से खमसा में नहीं आता है, न छूने में आती है जो चीज, न देखने में आती है, न सुनने में आती है, तो उसी को गैब कहते हैं। जो अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरत रखी है, जो अल्लाह तबारक व ताला ने जिब्रील अमीन का सिलसिला, मलाइका का सिलसिला रखा है, जो अल्लाह तबारक व ताला ने जन्नत दोजख की बात बताई है, अल्लाह ताला की जात जो है, अल्लाह तबारक व ताला की जात है, तो ये गैब की चीजें कहलाती है, जो इंसान अपनी जाहिरी आंखों से देखता नहीं है। तो सिर्फ ये जाहिरी चीजें ही नहीं है बल्कि इसके पीछे भी अल्लाह तबारक व ताला ताकत भी है, जिसको इंसान दिल से तो महसूस कर लेता है लेकिन देख नहीं सकता। दिल से तो यकीन हो जाता है कि अल्लाह तबारक व ताला की जात है। एक बदू से पूछा गया, एक देहाती से पूछा गया कि मा आयतुर रब्बी सुभानहू व तआला, कि अल्लाह ताला की क्या निशानी है। तो फरमाया, उसने कहा, देहाती था, उसके दिल की तख्ती बिल्कुल साफ थी, उसने कहा कि समा उन जातु बुरूजिन व अर्द उन जातु फिजाजिन व बिहार उन जातु अमवाजिन अला यदुल्लु कुल्लु ज़ालिक अला लतीफिल खबीर, के मेनी ये इसका पता देती है कि यहाँ से ऊंटों का काफिला गुजरा है। नक्श कदम बताते हैं कि यहाँ से कोई जमात गुजरी है। तो ये बुर्जों वाला आसमान, चांद सितारे और सूरज जिसमें चमक रहा है, दमक रहा है, और ये वसी रास्तों वाली सरजमीन, और ये ठाटे मारता हुआ समुंदर, क्या ये सब चीजें अल्लाह तबारक व ताला की निशानियां नहीं है। फी कुल्ल शैइन लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदु, हर जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, कतरे कतरे में अल्लाह की निशानी है, जो बताती है कि अल्लाह तबारक व ताला ही एक वाहदहु ला शरीक है, जो जो हर चीज का इंतजाम कर रहा है और जो हमारी इबादत का मुस्तहिक है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब,
जो लोग गैब पर ईमान रखते हैं ये कुरान मजीद उनको हिदायत देता है, क्योंकि ये जन्नत की बात बताएगा, ये दोजख की बात बताएगा। तो लोग कहेंगे किसने देखी जन्नत, किसने देखी दोजख, बाबर बाएश कोश के आलम दोबारा ने के ऐश कर लो इसी जिंदगी के अंदर, आलम तो दोबारा होने वाला नहीं है। वो कुरान मजीद से कैसे फायदा उठाएंगे, वो इसको एक किस्सा समझेंगे। الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه, फिर उनकी सिफत क्या होती है, जो तकवे वाले हैं और जो कुरान मजीद को अपने लिए हिर्ज जान बनाते हैं, उससे फायदा उठाते हैं, वो नमाज कायम करने लगते हैं। वो यकीनून الصلاه, नमाज उनकी जिंदगी के अंदर एक अहम मकाम रखती है। और नमाज कायम करना कहा, वो यकीनून सलाता, वो लोग नमाज को कायम करते हैं। नमाज पढ़ना नहीं कहा बल्कि नमाज कायम करना कहा। पढ़ने में और कायम करने में क्या फर्क है, पढ़ने में वो बात नहीं है कि तवज्जो के साथ, एहतिमाम के साथ, खुशू खुजू के साथ, पाबंदी के साथ जो कायम करने में, कायम का मतलब होता है बिल्कुल दुरुस्त, जो कायम करते का मतलब उसको दुरुस्त रखते हैं नमाज को, पाबंदी भी इसमें आएगी और वुजू और जाहिरी नमाज के जो शराइत हैं वो भी आएंगे, और जो सबसे अहम चीज है वो दिल का खुशू खुजू, दिल का ध्यान अल्लाह तबारक व ताला की तरफ लगन, तवज्जो जो नमाज की रूह है वो भी कायम करने में है, जमात की पाबंदी वो भी कायम करने में है। तो दो चीजें हैं नमाज में, एक तो ये है कि पाबंदी, एक जगह कुरान मजीद में कहा गया हम अला सलातिहिम दाइमून, कि वो नमाज को पाबंदी से अदा करते हैं, यानी कोई नमाज ना छूटे। बहुत सारे लोग खुशू खुजू का तो ध्यान रखते हैं लेकिन फजर की नमाज तर्क हो जाती है उनकी, और ईशा की नमाज तर्क हो जाती है। जितनी पढ़ते हैं खुशू से पढ़ते हैं लेकिन पाबंदी से नहीं पढ़ते। तो एक तो है पाबंदी, और दूसरी सिफत फरमाएं फी सलातिहिम खाशियून, कि खुशू खुजू के साथ पढ़ते हैं। कुछ लोग पढ़ते सब हैं लेकिन एक रूटीन चल रहा है तो वो दिल को मुतवज्जे नहीं करते। तो दोनों बातें जरूरी हैं कि पाबंदी भी करे और दिल के खुशू के साथ अदा करे। वो यकीनून सलाता, जो नमाज को कायम करते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, और उनको जो हमने रिज्क दिया है, जो अता किया है उसमें से खर्च करते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। बज़ाहिर तो मालो दौलत आता है इसमें लेकिन अगर और भी कोई चीज दी है तो उसमें से खर्च करते हैं, वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून। माल भी अल्लाह तबारक व ताला की एक नियमत है, जिस्म भी अल्लाह का है, नमाज कायम करते हैं, ये अल्लाह तबारक व ताला के सामने इकरार करते हैं कि हमारा जिस्म आपकी अमानत है, आप जब बुलाएंगे आपके दरबार में हाजिर हो जाएंगे, ये सर आपके सामने झुक जाएगा। और माल अल्लाह ने दिया है तो वो खर्च करते हैं, ये इकरार करते हैं कि आपकी अमानत है, आपके रास्ते में खर्च होगा, आप जैसे कहेंगे वैसे इसको कमाएंगे, जैसे कहेंगे वैसे खर्च करेंगे हम। उम्मा रज़क़ना उम्मीद को हदीस शरीफ में माल के ताल्लुक से बताया कि चार तरह के लोग होते हैं। फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक तो वो किस्म है कि अल्लाह तबारक व ताला ने माल भी दिया है उनको, और उनको अल्लाह ने दीन की समझ भी अता फरमाई, तो माल को सही जगह इस्तेमाल करते हैं जिससे अल्लाह तबारक व ताला खुश होता है। और जाहिर है फुकरा की इमदाद करना और मिस्कीनों और यतीमों की ज़रूरत पूरी करना, नादारों को देना, ये अल्लाह तबारक व ताला खुश करने वाली चीज़ है। ज़कात इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने फ़र्ज की है, ज़कात के अलावा भी अगर ज़रूरत पड़े तो उसको भी खर्च करना चाहिए। तो उसको सही जगह इस्तेमाल करते हैं, सही जगह खर्च करते हैं, तो ये सबसे आला मर्तबे में। माल भी दिया अल्लाह ताला ने, समझ भी दी है, माल के ज़रिए से भी अल्लाह की रिजा हासिल हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ी नियामत है। हदीस शरीफ में फरमाया कि रश्क करना है तो दो लोगों पर रश्क करो। रश्क इसको कहते हैं कि आदमी किसी को देखकर ये तमन्ना करे यार मैं भी ऐसा ही बन जाऊं। आजकल लोग देखते हैं ना किसी गाड़ी वाले को, यार मेरे भी ऐसी ही गाड़ी है, उसको रश्क कहते हैं। फरमाया रश्क दो लोगों पर करो अगर करना है तो, एक तो माल मिला है और उसको दीन के लिए खर्च कर रहा है, मस्जिदों में खर्च कर रहा है, बेवाओं यतीमों में,
अल्लाह तबारक व ताला को राजी करने कामों में, और एक वो आदमी जिसको इल्म दिया अल्लाह ताला ने और फिर वो लोगों को इल्म सिखा रहा है कि मेरा बच्चा भी ऐसा बने, मैं भी ऐसा बनूं, ये दो लोग काबिल रश्क हैं। तो एक तो वो आदमी है कि जिसको अल्लाह ने माल भी दिया है और समझ भी दी, इल्म भी दिया है। एक वो आदमी है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म दिया है लेकिन उसको अल्लाह तबारक व ताला ने इल्म नहीं दिया है, तो वो माल को नाजायज इस्तेमाल करता है, वो माल के जरिए से गुनाह कमाता है और उसको उड़ाता है, उसको शान शौकत में या गुनाहों के कामों में या जुल्म करने में लोगों में इस्तेमाल करता है, तो ये सबसे बदतर है, ये सबसे बदतर है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने माल दिया है लेकिन इल्म नहीं दिया है, समझ नहीं दिए। और इसमें अब दो लोग ये हैं, एक वो है कि जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने माल भी नहीं दिया है, इल्म भी नहीं दिया है, लेकिन एक वो तमन्ना करता है कि मेरे पास भी अगर माल होता तो मैं भी ऐसा ही खर्च करता जैसे ये उड़ा रहा है, ऐसे ही जुल्म करता, ऐसे ही शानो शौकत में खर्च करता और ऐसे ही मैं इतराता, तो ये उसी की नीयत के मुताबिक होगा, क्योंकि उसके पास इल्म भी नहीं है लेकिन रश कर रहा है वो, मैं भी तो गुनाह हो जाएगा, क्योंकि उसकी तमन्ना है, दिल से तमन्ना है, दिल से चाह रहा है वो। और एक वो आदमी है जो अच्छे को देखकर माल तो नहीं मिला है लेकिन उसको इल्म मिला है, तो वो कहता है कि अगर मेरे पास भी माल होता तो मैं भी अच्छा बनता, ये जैसे मस्जिदों में खर्च कर रहा है मैं भी ऐसे, तो वो भी उसी के दर्जे में हो जाएगा। एक दो आदमी तो वाकई यानी ऐसे हैं कि जो हकीकत में वो नेकी कर रहे हैं या बुराई कर रहे हैं, और दो आदमी ऐसे हैं जो तमन्ना कर रहे हैं, तो वो उन्हीं के दर्जे में हो जाते हैं। وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, जो हमने रिस्क दिया है वो उसमें से खर्च करते हैं। وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, और वो लोग यानी जो तकवे वाले हैं वो ऐसे हैं कि वो ईमान रखते हैं उस कुरान पर भी जो आपको नाजिल किया गया है, आपकी तरफ जो उतारा गया है, और जो आपसे पहले अंबिया पर उतारा गया है, उन दोनों को मानते हैं। ये देखिए कुरान मजीद की सदाकत और इस्लाम की सदाकत, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे होने की अलामत ये है कि आपने अपने आप को तस्लीम करा के दूसरों का इनकार नहीं करवाया, बल्कि आपने कहा तमाम अंबिया किराम को मानना जरूरी है, तमाम अंबिया किराम की किताबों को मानना जरूरी है, और अगर कोई किसी भी नबी का इनकार कर देगा तो कुफ्र लाजिम आ जाएगा। हत्ता कि आपने बाज मरतबा फरमाया कि अंबिया किराम में एक दूसरे में मुकाबला ना करो, कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूनुस अलैहि सलाम से बेहतर हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहि सलाम से बेहतर हैं, का ऐसे सब अल्लाह के बंदे बरगुजीदा बंदे अलल इतलाक तो कह सकते हैं कि खातमुन नबीन अफजलुल मुरसलीन है, लेकिन मुकाबला करोगे तो इससे उनकी शान में कहीं कोताही ना हो जाए, कहीं बेअदबी ना हो जाए, तो उनके ऊपर जो किताबें नाजिल की गई वो सब बरहक हैं। हाँ, उन लोगों ने बाद में उसमें तहरीफ कर दी, वो अलग बात है, उसको महफूज नहीं रहने दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने इस कुरान मजीद के लिए से इंतजाम फरमाए और इसकी जिम्मेदारी ली कि कयामत तक महफूज रहेगा। उन किताबों को अल्लाह ताला ने कयामत तक के लिए ये भी नहीं कहा था कि कयामत तक रहेंगी, इसीलिए उसमें उन लोगों ने तहरीफ कर दी, लेकिन कुरान मजीद की जिम्मेदारी अल्लाह तबारक व ताला ने ली है, कयामत तक के लिए महफूज रहेगा। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और आखिरत के ऊपर वो यकीन रखते हैं कि एक दिन हमें आखिरत में जाना है अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ। आखिरत का यकीन ऐसा यकीन है कि जो इंसान को हर खैर के काम पर करने पर आमादा करता है, हर बुराई से रोक लेता है वो, क्योंकि खैर का काम है, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, इसका सिला आखिरत में मिलने वाला है हमें। अगर हम एक गिलास पानी भी अल्लाह के लिए पिला देंगे, हो सकता है अल्लाह ताला इसी पर बख्शिश कर दे, कुत्ते को पानी पिलाने पर बख्शिश हो सकती है, बिल्ली को मारने पर अल्लाह तबारक व ताला सजा दे सकता है, तो हर गुनाह से रोक देता है आखिरत का यकीन, और इंसान को हर खैर के काम करने पर आमादा कर देता है। वबिल आखिरति हुम यूकिनून,
अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। जो लोग ये सिफात रखते हैं, ये अल्लाह तआला की तरफ से हिदायत पर हैं, उनको सही रास्ता मिल गया है, व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। लोग अपनी तरफ से कामयाबी समझते हैं कि कोई समझता है मेरे पास बंगला हो, गाड़ी हो और नौकरी हो तो कामयाब है, बीवी अच्छी हो तो कामयाब है, ये तालीम हो तो कामयाब है। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने कामयाबी की ये बातें बताई हैं जो अभी गुजरी हैं कि यही लोग कामयाब हैं जिनको अल्लाह तबारक व ताला दुनिया और आखिरत की सुरखरुई नसीब फरमाएगा। अल्लाह ताला हमें भी कामयाब बनाए और हिदायत अता फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। Thank you.